वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम शीतल। सो आज की वीडियो ना बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है, बिकॉज मैंने ना मीशो से ये पूरी किट मंगाई है जिसके अंदर 10 प्रोडक्ट है जस्ट इन 176 रुपीज। यू गाइस कांट बिलीव दैट कि 176 में सारे प्रोडक्ट आए इसमें। आई थिंक बीबी क्रीम भी है, फाउंडेशन भी है एंड कंसीलर वगैरह सब कुछ है। सारे प्रोडक्ट मतलब टोटल प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट आया एंड उसमें है ना 176 रुपीज गए जस्ट इन 176 रुपीज। हम इन्हें ट्राई करने वाले हैं अपने फेस पे। देखो मेरे को ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है जस्ट बिकॉज सिर्फ 176 में किस टाइप का प्रोडक्ट होगा। मतलब लिटरली मुझे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है बिकॉज ऑलरेडी आप लोग देख रहे हो मेरे ना एक्ने वगैरह भी हो रहे हैं जस्ट बिकॉज मैं इतना ज़्यादा टेस्ट कर रही हूँ ऐसे प्रोडक्ट्स को। लेकिन मैंने मंगा लिया है तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार ट्राई कर लेते क्या जा रहा है। सो लेट्स स्टार्टेड एंड देखते हैं ये वाले प्रोडक्ट मेरे पे कैसा असर करेंगे। काफ़ी मज़ा आने वाला है ये सारे सस्ते प्रोडक्ट यूज़ करने में। चलो ट्राई करते हैं। स्टार्टिंग दिस वीडियो आई हैव टू थैंक ज्योति फॉर कमेंटिंग ऑन माई वीडियो। If you are new in this channel, so hi, I am Sheetal. I make a video on beauty, fashion and lifestyle. I hope आप लोगों को बहुत मजा आएगा क्योंकि मैं challenges वाली video भी अब बनाना मैंने start कर दिया, like ये cheapest makeup. And आप लोग ना अपना favorite comment भी कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को करवाना है उस type का भी comment कर सकते हैं, जिस like आपको इस topic पर video चाहिए and all, उस पर भी मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी video बना के लाऊंगी। So start करते हैं video को। मैं सब जैसे हम लोग start करते हैं ना makeup, तो मैंने निकाल लिया है प्राइमर। तो ये प्राइमर है, तो इस पे लिखा हुआ है हुडा ब्यूटी द मैट प्राइमर 50 ml है 3.38 एंड मुझे है ना ये देखो मीशो से आया है तो मतलब ये लोकली होगा। मीशो पे ओरिजिनल वाले आई डोंट थिंक सो होते होंगे, अगर होते भी है ना तो उनका ऐसी पैकेजिंग तो हुडा ब्यूटी की होगी नहीं। सो लेट्स सी। एंड ये निकल भी नहीं रहा, बहुत बहुत मुश्किल से निकल रहा है। वैसे डायरेक्टली अप्लाई करती तो क्या होता, इसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी स्मेल नहीं है। लेट्स सी, इसे खोल ही लेते हैं ना यार। ऐसा ना एलोवेरा जेल नहीं होता, उस जेल फॉर्म में ये प्राइमर जो है। सो मैं ना सारे प्रोडक्ट जो भी मुझे लगेगा ठीक है लगा लेती हूँ, लेकिन ये मेकअप करते ही मुझे पता है मेरे को उतारना पड़ेगा। सो लेट्स सी, कुछ स्मेल तो है नहीं। मैं सच बताऊं लगा के ऐसा लग रहा है कुछ लगाया ही नहीं है, मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा टाइप ऐसा फील हो रहा है। लुक एट दिस, कुछ नहीं हुआ, आई डोंट थिंक सो कुछ हुआ है। तो लेट्स सी आगे मेकअप करते हैं। बहुत ज्यादा मतलब लगाते इसमें एकदम खुजली टाइप भी हो रही है। लाइक नेक्स्ट है ये बीबी क्रीम, इस पे लिखा है प्रेप एंड प्राइम बीबी ब्यूटी बाम एसपीएफ 35 वाओ एंड क्रीम टिंटेड, मतलब टिंटेड वाली जो क्रीम होती है वो है एसपीएफ 35 40 ml। लेट्स सी इसे ऐसे निकालते हैं। ओ गॉड, देखो पैकेजिंग तो ऐसे करिए एकदम बंद है। देखते हैं देखते हैं देखते हैं। सो थोड़ा सा ओपन हुआ है एंड इसके अंदर थोड़ी सी फ्रेग्रेंस आ रही है, गंदी नहीं है। मतलब जो पुराने मेकअप नहीं होते थे जो मम्मियां यूज करती थी पहले, जो क्रीम्स वगैरह आती थी, सिर्फ वैसी स्मेल है, एकदम गंदी वाली तो नहीं है लेकिन हाँ वैसी है। तो चलो लगाते हैं। एंड इसका जो कंसिस्टेंसी ना देखो ऐसी है, बेकार है अच्छी एंड बहुत ज़्यादा लाइट है मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग। अगर आप डीप टोनर में जाते हो, लाइक मीडियम में हो या आप मुझसे ज़्यादा डीपर हो, तो आपके लिए तो नहीं हो पाएगा, पता नहीं कैसा है। एंड मैं ना ये वाले प्रोडक्ट तो किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी, मैं स्क्रीनशॉट वगैरह लगा दूंगी वहाँ से आप लोग देख लेना, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि ये प्रोडक्ट मंगाना चाहिए मैंने। तो नेक्स्ट है ये ब्यूटी ब्लेंडर जो मैंने ऑलरेडी गीला कर लिया है एंड मतलब पानी में डाल दिया था और इसका जितना भी पानी है वो निकाल दिया। तो ये ना थोड़ा ये पता है ब्यूटी ब्लेंडर ना मेरे को सही लग रहा है, लाइक काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। मैंने देखे हैं ब्यूटी ब्लेंडर, मैंने एक बार सरोजनी से भी सारा मेकअप लाई थी ना उस टाइम जस्ट करने के लिए, तो इस टाइप के ब्यूटी ब्लेंडर उनके तो एकदम टाइट वाला गंदा वाला था। मेरे को उसके अकॉर्डिंग ये वाला ब्यूटी ब्लेंडर बहुत सही है,
सो चलो करते हैं ब्लाइंड। ये तो गायब ही हो जा रहा है यार, लुक एट दिस, सारा यही ले ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। मतलब मेरे चेहरे पे है, मेरे को नहीं लगता कुछ फर्क पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, जितना भी पड़ रहा है पड़ लेगा। मेरी ना आई में वैसे ही इन्फेक्शन हो रहा है, और मैं ये बेकार वाले प्रोडक्ट्स भी यूज कर रही हूँ, पता नहीं क्या ही होगा यार। देखो यार, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ डिफरेंस आया है कि नहीं। मेरे को लग रहा है ये सारा एब्जॉर्ब कर लिया इस ब्यूटी ब्लेंडर ने, एंड या फिर फाउंडेशन ही ऐसा है, वो बीबी क्रीम ही ऐसी है, बिल्कुल ही पता ही नहीं चले, या फिर ब्यूटी ब्लेंडर खराब है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। मेरे को ना थोड़ा सा, मतलब अब लग रहा है थोड़ा सा डिफरेंस है, लाइक जैसे वो एकदम बीबी क्रीम लगाते हैं ना, बहुत ज्यादा कम, लेकिन मैंने तो यहाँ पे पूरा फेस पे, जैसे हम लोग फाउंडेशन अप्लाई करते हैं वैसे अप्लाई करा था इसको, लेकिन बहुत ज्यादा कम लगाया था। इतना मेरे को ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं लगा, बस एक चीज मेरे को फील हो रहा है, वो इरिटेशन फील हो रहा है, लाइक खुजली करने का मन कर रहा है, वैसी वाली फीलिंग आ रही है। फिर भी हम इस पूरे मेकअप को जरूर करेंगे। एंड नेक्स्ट है हमारे पास ये कंसीलर, एक मिनट। नेक्स्ट ये भी है हमारे पास, ये प्रेप एंड प्राइम एसेंशियल ऑयल, एंड 14 ml का है भाई साहब। फिर स्मेल करूं उसे, क्या है ये? ओह माय गॉड, लिटरली जो गंदी सी स्मेल नहीं होती, लाइक जो पेट्रोल वाली स्मेल होती है ना, जैसे पेट्रोल पंप पे स्मेल आती है, वैसी स्मेल आ रही है इसके अंदर, बहुत ज्यादा गंदा है। छी, मैं नहीं यूज करूंगी सब अपने फेस पे, तो कभी नहीं, जैसे प्राइमर से पहले करते हैं, तो आई नेवर यूज दिस। और नेक्स्ट है कंसीलर, कंसीलर हम अप्लाई करते हैं, एंड ये अजीब सा ही कंसीलर है, लाइक बहुत ज्यादा गंदा दिखता है। मेरा मन नहीं कर रहा, फिर भी करना पड़ेगा। चांसी भी ऐसा लग रहा है जो आटा वगैरह होता है उसमें मिक्स कर दिया हो, लेकिन स्मेल वही वाली आ रही है जैसे बीबी क्रीम में आ रही थी पुराने मेकअप की। एंड मैं बहुत कम लगा रही हूँ क्योंकि मेरे को डर लग रहा है कहीं मेरे रिएक्शन वगैरह ना हो जाए, क्योंकि आप लोग अगर जानते नहीं हो तो वो प्री ब्राइडल भी चल रहा है मेरा, यहाँ पे सीरीज भी आप लोग देख सकते हो। मैं लगा दूंगी एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, ऊपर जो आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो इसलिए मैं ना इतने मतलब को डंका कर रही हूँ, उसके बाद ऐसा मेकअप करके पूरा बिगाड़ लूंगी। तो आई डोंट लाइक दिस कंसीलर, बहुत ज्यादा बकवास कंसीलर है। इस पर लिखा हुआ है स्किन करेक्ट कंसीलर, बेकार है, कुछ करेक्ट नहीं करा। सो नेक्स्ट है दिस लूज पाउडर, इसमें दो पाउडर आए, एक लूज पाउडर भी है एक ये भी है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वाइट प्योर पेरिस्मेंट, क्या है, हाँ ये भी है। कुत्ता कैसे है? मम्मी लुक एट दिस यार, पूरा पाउडर निकला हुआ है क्या ये? देखो दिख रहा है दूर दूर आप लोगों को, कितना गंदा है। मैं तो इसे यूज नहीं कर रही, तो बस दो दो पाउडर थोड़ी यूज करेंगे, मैं इस वाले पाउडर को यूज करूंगी। एंड इसका नाम क्या था, डिब्बा ये रहा, LC25 मिनरलाइज फाउंडेशन लूज फॉन्ट डी टिंट पाउडर एंड मेड बाई PRC। देखते हैं भाई कैसा है। अच्छा ऐसी है, इसे निकालना पड़ेगा, निकालना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें छेद थोड़ी है। हाँ तो ये पाउडर है, एंड इसको ऐसे इसके साथ ना फॉर्म काट के रख दिया, बस ऐसे लगा लेती हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा, मैं पूरे चेहरे पे नहीं लगाऊंगी, अंडर आई अपने हैंड का यूज कर लेती हूँ, अंडर आई पे लगा लेती हूँ थोड़ा सा, तो थोड़ा जो बेकिंग के लिए यहाँ पे लगाते हैं वो लगा लेती हूँ। थोड़ी देर अंडर आई पे रहने देते हैं जब तक इसे कोई स्मेल नहीं है,
बेकार है एकदम, बेकार गंदा है। सो पाउडर लगा के मैंने अपने हाथों से ही हटा दिया है, क्योंकि मैंने तो बहुत कम यूज करा था। इसमें आई है दो लिपस्टिक, फर्स्ट ये पिंक वाली है, सेकंड ये रेड वाली है। इस पे लिखा है ब्यूटी लिप्स हुदा ब्यूटी, ओह माय गॉड। तो ये वाला कलर आया है इस पे, जो मरून टाइप का होता है, मैं यहाँ पे लगा के दिखाती हूँ। ये कलर है, स्मेल इसमें बहुत गंदी है, बहुत ज्यादा गंदी है, मैं तो नहीं यूज कर पाऊंगी इसे। ये भी ऐसी हो गई तो छी। और ये ऐसा दिखता है, कलर तो अच्छा है लेकिन मैं इसे यहाँ पे नोज पे लगा लेती हूँ थोड़ी सी एज अ ब्लश, क्योंकि इसमें ब्लश नहीं आया ना, तो ब्लश यूज कर लेते हैं इसे ऐसे ऐसे है। थोड़ी सी आईज पे, क्योंकि आई मेकअप तो हम करेंगे नहीं आई। दिस इज इनफ, पूरे जोकर बन जाना है अपने को। एंड ऐसे ऐसे करना है, ऐसे 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 करना है, थोड़ा सा ये इफेक्ट तो आया ना, देखो देखो हल्का सा यहाँ पे, वाओ नाइस, हल्का सा इस साइज पे, थोड़ा और अच्छे से फिर यहाँ पे, ऑलमोस्ट डन। सो हमारा ये बेस मेकअप तो हो गया। सो नेक्स्ट है ये मेकअप फिक्सर, जो कि एलोवेरा, एंड इसके अंदर क्या क्या है, मेकअप फिक्सर नेचुरल एलोवेरा विद अ विटामिन ई फिट मी, ओ माय गॉड, फिट मी का है 100 ml। मैं इसमें पहले अपने हाथ पे लगाती हूँ, निकल तो नहीं रहा, छी ऐसे आया, मेरे हाथ में ही आ गया, बहुत गंदी स्मेल है। ओके ट्राई करूं, यार इसमें लगा के करते थे, थोड़ा सा लगा लिया मैंने। और स्प्रे भी इसका बहुत गंदा है, बहुत गंदा, कभी कभी पूरा निकल जाता है, कभी कभी निकलता ही नहीं है। सो भाई इतना हो गया है, एंड लिपस्टिक मैंने लिप्स पे तो लगाई नहीं, सारा लगा लिया। दिस इज लिपस्टिक, 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 बहुत गंदी स्मेल है। हुदा ब्यूटी के आई लेसेस, लिटरली बताऊँ मेरे को ये आई लेसेस ना काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है, कंपेयर करें सारे प्रोडक्ट में यही अच्छी है, क्योंकि आपकी आप कुछ इफेक्ट नहीं करेगी। एंड इसको लगाने के लिए आपको आई ग्लू चाहिए होगा, आई लेसेस ग्लू चाहिए होगा, जो फेक लेसेस लगाते हैं। तो एक बार मैं लगा के देखती हूँ कि कैसी लगेगी, है ना, ट्राई तो कर ही लेते हैं। चलो भाई मैं सो आई लैसेस भी मैंने लगा ली है, एंड बहुत ज़्यादा गंदी लग रही है, मेरे को निकालना ही है वैसे भी से, इट्स नॉट लुकिंग गुड, बिकॉज इसके ना काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े विंग्स हैं, मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत काटना पड़ेगा यहाँ से यहाँ से। एंड इसके ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं यार, इतना कोई नहीं लगाते इतने बड़े बड़े, लाइक लुक एट दिस, आधे बड़े हैं आधे नीचे छोटे हैं, पता ही नहीं चल रहा कैसे है, बहुत बेकार आई लेसेस है। अभी मैं कह रही थी आपको अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो उसके अंदर ही दिख रहा था, इस वजह से मतलब मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा वाला होगा, बट इट्स नॉट गुड, बेकार है ये भी। तो मैं सच बताऊँ, इस पूरे जितना भी मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट दिखाया सारा दिखा दिया ऑलमोस्ट, तो इसमें मुझे कैसे मैंने आई लेसेस को भी निकाल दिया, लाइक यार इतने सारे प्रोडक्ट में कोई भी चीज़ अच्छा है, मेरे को लगा ब्यूटी ब्लेंडर ठीक होगा, क्योंकि उससे तुम जस्ट ब्लेंड करते हैं, लेकिन ये सारा जितना भी फाउंडेशन वगैरह है उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, आपका कुछ भी नहीं बचेगा अगर आप इसको यूज़ करेंगे। फिर मैंने सोचा कि चल प्रोडक्ट भी वो अपने फेस पर अप्लाई कर रहे हैं वैसे वाले गंदे होंगे, आई लेसेस तो अच्छे निकलेंगे, तो वो भी बेकार निकला, कुछ भी अच्छा नहीं निकला, लिटरली कुछ भी अच्छा नहीं निकला, मतलब छी। सो यही था ये वाला जो चीपेस्ट मेकअप था जो मैं ट्राई कर रही थी, एंड इट्स लुकिंग बैड, आई डोंट लाइक इट।
एंड मैं कभी रिकमेंड भी नहीं करूंगी किसी भी इंसान को कि भाई तुम मीशो से मेकअप खरीदियो, बिकॉज इतने सस्ता मेकअप लाइक वो लोग अप्रूव्ड भी कैसे कर देते इस टाइप की किट को, क्योंकि यार ये ना मेरे को लगता नहीं है ये मतलब फेस पे भी अच्छा होगा, लाइक आपको एलर्जी वगैरह होने लग जाएगी अगर गंदा प्रोडक्ट यूज करेंगे तो, ऐसे वाले टंटे होंगे इससे अच्छा मत ही यूज करो। तो मेरा भी यही है कि मैं सारा ही जितना भी मंगाया मैं सब कुछ डिस्कार्ड करने वाली हूँ, फेंकने वाली हूँ सब कुछ। सो यस, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मेरे को आप लोगों से ये कहना है, अगर आपको इस टाइप की चैलेंजेस वीडियो पसंद है तो आप मेरी ये वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आपको ब्राइड रिलेटेड कंटेंट देखना है, क्योंकि मैं कर रही हूँ प्री ब्राइडल, पूरा जो ब्राइडल सीरीज है मेरी वो ये वाली है, आप ये वाली सीरीज देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय टाटा। एंड उससे पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो यार, क्या चला जाएगा एक सब्सक्राइब करने में। एंड आप मेरे को इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लाइक सीता सिंह _16 मेरी आईडी है, आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। सो थैंक यू, बाय टाटा, सी यू।